रायगढ़ नगर निगम इस वित्तीय वर्ष में 28 करोड़ रुपए के राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वसूली में नगर निगम काफी पिछड़ गया है। आलम यह है कि फंड की कमी की वजह से त्योहार के इस समय कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में अब बड़े बकायेदारों से वसूली करने की बात कही जा रही है। नगर निगम को 2020-21 में संपत्ति कर, जल कर, सफाई में यूजर चार्ज सहित अन्य मदों से 28 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष के 7 माह बीत जाने के बाद अब तक नगर निगम लगभग 5 करोड़ रुपए की ही वसूली कर पाया है। नगर निगम साफ सफाई पर ही साल में 10 करोड़ खर्च करता है, लेकिन यूजर चार्ज से भी लगभग 1 करोड़ ही वसूल हो पाए हैं। यही वजह है कि फंड की कमी से जूझ रहे नगर निगम को कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लाले पड़ गए हैं। निगम के महापौर का कहना है कि कोरोना काल में राजस्व विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभिन्न कार्यों में लगा दिया गया है, जिसकी वजह से वसूली प्रभावित हुई है। उनका कहना है जिंदल जैसे बड़े बकायेदारों से टैक्स की राशि लेकर कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाएगी, ताकि वे त्योहार मना सकें और निगम की माली हालत में भी सुधार हो सके। मैडम बताएंगे इस बार राजस्व में वसूली नहीं हुई है, उसको मद्देनजर रखते निगम का पेमेंट कैसे किया जाएगा? अभी तो सामने हमारे कोविड को झेल रहे हैं सभी जनता, और जनता को अभी काम काज की बहुत परेशानी है। उनको रोज की जो दिनमर्रा है उसको चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। तो अभी निगम में वसूली नहीं हो पा रही है, और वो लोग खुद सक्षम थे तो खुद टैक्स पटाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, और इस समय उन लोग कोविड को देखते ही प्रभावित हो रहे हैं। समय में आने वाला भविष्य समय में वो लोग खुद पटाएंगे, और हम लोग राजस्व प्रभारी और चर्चा करके उनको वसूली की जाएगी। जो बड़े बड़े बकायेदार हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको नोटिस दिया जाएगा, उनको वसूली की जाएगी। तो अभी पेमेंट में कोई दिक्कत थोड़ी ना है? नहीं है, पेमेंट के लिए शासन द्वारा लिया जाएगा और उनसे चर्चा कर ली हूँ, समय में पेमेंट का भुगतान की जाएगी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।